बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी जमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे। रमज़ान का महीना सबको मुबारक हो, रहमत और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें ये रमज़ान नसीब करें और रहमतों से अपनी नवाजें। तो आई की रेसिपी की तरफ आते हैं व्यूअर्स। आज मैं आपको कराची की मशहूर बेसन की बूंदी बनाना बताऊँगी कि कैसे आप इसको घर पर बना सकते हैं और महफूज कर सकते हैं। तो आए फिर रेसिपी की तरफ आएँ। ये मैंने एक कप बेसन लिया और इसको मैंने छान लिया, ठीक है। और ये बारीक वाला बेसन है, बेसन को छानना ज़रूरी है, ठीक है, फिर इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। हाफ़ टी स्पून नमक है इसमें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सोडा डाला है, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं, ये सोडा जो मीठा सोडा होता है चना में डालते हैं, ये वो वाला मैंने डाला है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने मिक्स करना है इसको, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा कि बैटर ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स, अभी इसको मैं और बीट करूँगी। इसको मैंने एक ही एंगल से ऐसे से किया और पूरे 5 मिनट मुझे हो गए बीट करते हुए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन गया ये। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। उसे फिर मिक्स करूँगी। और इसको अब मैं 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, इसके बाद फिर बूंदी बनाती हूँ 10 मिनट बाद। यानी कि मेरे पास 10 मिनट हो चुके हैं। इसको एक बार फिर मिक्स कर लें, तलने से पहले लेते हैं और इस बैटर को चेक कर लेते हैं। 1 टॉस में डाल रही हूँ। अगर ये ऊपर आ गई तो हमारा बैटर ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये ऊपर आ गई है और ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल ठीक है, स्मूदी है और चम्मच के साथ लगा हुआ है। और ये इसकी पहचान होती है, ये देखें ऐसे रनिंग फॉर्म में है ये, और इसकी ये रनिंग टूट नहीं रही। और ये देखें, ये मैंने डाला था एक बूंदी, ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसको मैंने मीडियम चूल्हे पे बनाने हैं बूंदियाँ। देखिए व्यूअर, इस तरह के चमचे आज के बाज़ार में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जब से रमज़ान शुरू है, इस तरह की क्रॉकरी आपको मिल जाएगी और इस चमचे से बहुत ज़बरदस्त बूंदी बनती है। फ़ौरन डालते जाइए, देखें मोटे मोटे हैं और इससे बूंदी बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें व्यूअर्स, अभी साइडों से ये देखें, एकदम चमचा नहीं मारना आपको, ठीक है। और आप इसको मिक्स कर लिए। ये देखिए, अब मैं चमचा मार रही, पहले शुरू में बिल्कुल मैंने इसको नहीं मिक्स किया। जब साइडों से ये थोड़ा सा कलर आया तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। और आपने जितना इसको कलर देना है दे लें। ये देखिए मेरे पास ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको और चाहिए तो आप इसको दोबारा फिर भी फ्राई कर सकते हैं। आप इस तरह के पॉलिथीन बैग ले लें और इसमें डाल के तो इसको रख लें, ठीक है।
क्या देखा व्यूअर्स, मेरी बूंदियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप इसको सेव कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और छोटी छोटी ये रमज़ान की रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।